ये कंसोलिडेशन के क्वेश्चंस का क्या बनाएंगे? कौन कौन सा था? पेज नंबर बताइए। पेज नंबर 261 का जा रहा है। नहीं, सबसे पहले पेज नंबर 267 वाला होगा, इसलिए मैंने डिस्कस तो कर दिया था हमने सारा, या लिख लिया है ना, इसको लिखना रहता था। पेज नंबर 267 वाला सवाल फाइनल हो गया है, अब देखते हैं कि सवाल की बात हो रही है, वॉल्यूम कौन से की बात हो रही है। आपने लोगों ने कर लिया कंप्लीट? पेज 261 निकाल, इसमें तो नहीं मसला था। जी क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 61। चलिए सर, इस तरह करें फिर, यहाँ तक एक पहले टेस्ट देते हैं कल, क्या ख्याल है? फिर आगे चलते जाएंगे साथ साथ। चलिए, वॉल्यूम 2 की रिक्वेस्ट है आपसे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी, आपसे भी इधर हल दोबारा तो आपसे एड्रेस मांगा जाएगा, 2-3 दिन में फाइनल कर लेते हैं। एक कंपैरेटिवली जरा थ्योरेटिकल से डिस्कशन स्टार्ट हो रही है, तो ये जो कमिंग वीक आएगा इसमें आपको जरा टाइम मिलेगा, साथ पिछली चीजें कुछ रिवाइज कर लेते हैं। ये जो वीक स्टार्ट हो रहा है इसमें कुछ पिछली चीजों की रिवीजन भी साथ साथ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? बहरहाल फिलहाल 1-2 दिन अभी जरा कंसोलिडेशन को दें और उसकी सही तरह रिवीजन करते रहें, साथ प्रैक्टिस करते रहें। ये पेज नंबर 83 का है, मैंने इन हजरात के पास बुक है। आगे सर टेस्ट कब होगा जी, किसी को पता चला? जब आपने देना होगा सर, जी सर। अच्छा, दूसरा आपके पास FA1 में आप लोगों ने स्टैंडर्ड्स तो खरीद लिए हुए हैं, उनको भी जरा मट्टी सट्टी झाड़ के जरा रेडी करा, 2-3 दिनों में बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। जी सर, जिन हजरात के पास अब बुक नहीं है वो जरा रजिस्टर का पेज निकालो, बात फिर मेरे साथ डिस्कस करिए। जिनके पास बुक है जरा पिछला पेज खाली है, पेज नंबर 83 के सिलेक्ट। जी ऑनलाइन से इकट्ठे हैं, प्लीज फिलहाल रजिस्टर निकालो, रजिस्टर का एक नया पेज निकालो। सर IS 37 जरा स्टार्ट होना है, IS 37 में 3 हेडिंग्स लिखी हुई है, प्रोविजंस, बस सीरियस हो जाएगा प्लीज, प्रोविजंस है, कंटिजेंट लाइबिलिटीज है एंड कंटिजेंट एसेट्स है, 3 मेन चीजें स्टैंडर्ड में डिस्कस होंगी, प्रोविजंस, कंटिजेंट। ये बट अगर नहीं है तो काइंडली अरेंज करना, अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो मेरा ख्याल होना चाहिए। प्रोविजंस, कंटिजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटिजेंट एसेट्स, कौन सा पहले कुछ लिख के कर लो। प्रोविजंस की एक डेफिनेशन लिखे, प्रोविजंस से स्टार्ट करते हैं। पहले 5-7 मिनट मेरी बात फौर से सुनिए। आप लोगों प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी, अनसर्टन टाइमिंग और अमाउंट। प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टन टाइमिंग और अमाउंट।
अपनी तरफ से सभी 100% सिलेबस कवर करना पड़ता है, ये हमारी चॉइस नहीं है कि पेपर में कौन सा सवाल आना। कंसोलिडेशन कर ली है, कर लेंगे, ज़रूरी नहीं कि एग्जामिनर 100% क्वेश्चन अटैम्प्ट करने दे, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स लाई जाएंगे। तो हर एंगल से 100% तैयारी हो तभी बात बनती है। मीन्स से जिस जज्बे से आप लोगों ने होपफुली कंसोलिडेशन पढ़ी है, वो जज्बा ख़त्म नहीं होना चाहिए, चाहे जैसा मर्जी टॉपिक हो, आपको उसके लिए फुल एफर्ट करनी चाहिए। प्रोविजन उस लाइबिलिटी को कहते हैं जिसकी अमाउंट या टाइमिंग ऑफ सेटलमेंट में कुछ अनसर्टेनिटी हो। लाइबिलिटी किसे कहते हैं, डिफाइन करें सर थोड़ा सा, ये डेफिनेशन वर्ड्स लिखने की पोजिशन होना चाहिए। लाइबिलिटी मीन्स होता, लाइबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन विच अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ अ पास्ट इवेंट settlement of which result into out of resources liabilities are present obligation which arise as a result of past events, settlement of which results into outflow of resources, and normally out resources means here cash resources. देखना तो जिन्होंने लिख लिया था पढ़े, इसको ट्रांसलेशन कर। इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, पास्ट इवेंट है, फिर सेटलमेंट है। सेटलमेंट के रिजल्ट में बिजनेस में इनफ्लोज नहीं होंगे, आउटफ्लोज होंगे, आउटफ्लोज ऑफ रिसोर्सेस। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन से मुराद सकते हैं, आज एक ऑब्लिगेशन है, बैलेंस शीट डेट की बात होती है, लायबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में होती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एज ऑन होती है। लायबिलिटी हमेशा किसी पास्ट इवेंट की वजह से बनती है। मसलन फॉर एग्जांपल, वो मर्सिडीज जो आपने बड़े होकर लेनी है, उसकी इधर एंट्री बोल रहे एसेट भी तभी रिकॉर्ड होता है जब उसका कोई पास्ट इवेंट हो गया हो। लायबिलिटी भी तभी बनती है जब कोई पास्ट इवेंट हो गया, मतलब जब मर्सिडीज ले लेंगे और अगर पैसे नहीं दिए होंगे तो फिर मर्सिडीज डेबिट हो सकती है। लेकिन कम से कम मर्सिडीज डेबिट करने के लिए भी क्या जरूरी है, तो ख्वाहिशात तो हो सकती हैं, प्लानिंग्स हो सकती हैं, लेकिन डबल एंट्री कब होगी। एसेट भी तभी रिकॉर्ड होता है जब आपके पास आ गया, मीन्स कुछ हो गया हो, कोई इवेंट हो गया जिसके बाद फिर एसेट आपके कंट्रोल में, और अगर पैसे नहीं दिए और एसेट आ गया है फिर उस पास्ट इवेंट की वजह से, परचेज के पास्ट इवेंट की वजह से आपकी लायबिलिटी बन जाएगी। तो फिलहाल आप कोई एंट्री नहीं करेंगे, एंट्री कब करेंगे, जब कोई पास्ट इवेंट होता था। इस बात को सीधा समझने के लिए सपोज एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अपने जिम्मे लाए, पहले जरा सुन लीजिएगा, बाद में फॉर एग्जांपल अगर लिखेंगे। लेट्स अज्यूम एज ऑन 30th June 2022 एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, पहले जरा आसान आसान सी बातें शुरू कर लेते हैं। लाइबिलिटीज में अब डेफिनेटली एसेट्स की बात इस वक्त नहीं हो रही। लाइबिलिटीज में अगर क्रेडिटर्स आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 20 मिलियन क्रेडिटर्स की फिगर है, तो इज इट अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन? क्या मतलब इस दिन, ये 30 जून की बात हो रही, आज एक ऑब्लिगेशन है, क्यों बनी होगी?
क्या पास्ट इवेंट हुआ होगा, क्या आपने गुड्स खरीदनी होंगी या खरीद चुके होंगे। आप चीजें खरीद चुके हैं लेकिन अभी पैसे दिए नहीं, तो व्हाट इज द पास्ट इवेंट ऑफ लायबिलिटी, व्हाट इज द पास्ट इवेंट ऑफ दिस लायबिलिटी, परचेज ऑफ गुड्स। क्या वो गुड्स आपने फ्यूचर में खरीदनी है उनकी लायबिलिटी बन गई, खरीदी नहीं है तो लायबिलिटी है, लेकिन अगर खरीद ली है और पैसे नहीं दिए तो वो लायबिलिटी है। क्या जब फ्यूचर में इसे सेटल करेंगे, लायबिलिटी सेटल करने का मतलब होता है इसकी पेमेंट, तो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होंगे या इनफ्लो हो जाएंगे, तो इज इट अ लायबिलिटी बिकॉज़ इट अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन व्हिच हैज बीन अराइज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ पास्ट इवेंट एंड सेटलमेंट ऑफ व्हिच रिजल्ट्स इनटू एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। देन उसके बाद आ जाए लेट्स अस्यूम टू इलेक्ट्रिसिटी बिल पेएबल, सपोज 2 million rupees का इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेबल हो गया, इज इट अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट क्या होगा। क्या जो बिल आया होगा उसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर ली होगी, अभी करनी होगी। अलहमदुल्ला एडवांस में बिल का अभी तक कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और अगर फॉर एग्जाम्पल एडवांस में बिल आप देंगे तो वो लायबिलिटी है ही नहीं, वो तो प्री पेड टाइप चीज है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई, बिल आ गया, पैसे नहीं दिए, लायबिलिटी बन गया। So what is the past event here? Consumption of electricity. Salary payable. Suppose 1 million. Is it a liability? What is the past event? अपने services लेनी होगी। फॉर एग्जाम्पल 30th June अब ईयर एंड मैंने लिखा है एज ऑन, ये जून से पिछले महीनों की सैलरी पेबल होगी, या जो जुलाई में सैलरी देनी है वो पेबल होगी, अगस्त में देनी है, या जो फ्यूचर में भी टाइम गुजरना है और एम्प्लॉय ने सर्विसेज देनी है उन सर्विसेज के अगेंस्ट भी पैसे देना आपकी लायबिलिटी बन गई। अब जैसे एम्प्लॉय हायर करते हैं साथ ही उसको अब जितनी सैलरी देनी है फ्यूचर में उसकी जिंदगी रिमेनिंग काउंट करते हैं और चेक करते हैं कि हर महीने उसकी सैलरी कितनी होगी, इंक्रीमेंट्स कब कब होंगे, ये साइंस तो नहीं लड़ाते हैं। क्या करते हैं, सर्विसेज देता है, पैसे दे दिए तो बात खत्म होगी, लेकिन अगर सर्विसेज लेनी है और पैसे नहीं दिए तो फिर लायबिलिटी बन जाएगी। तो व्हाट इज द पास्ट इवेंट है, ऑब्टेनिंग ऑफ सर्विसेज। रेंट पेपर, इसका पास्ट इवेंट एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट होने के बाद कोई महीना गुजरा होगा, आपने यूज ऑफ एसेट, एसेट इस्तेमाल कर लिया होगा या अभी करना होगा। एग्रीमेंट के बाद अगर आपने एसेट यूज कर लिया और पैसे नहीं दिए तो जितने टाइम पीरियड का एसेट इस्तेमाल कर लिया है, करना है कर लिया है, तो क्या है जी पास्ट इवेंट, यूज ऑफ एसेट। बिल्डिंग है तो बिल्डिंग है, मशीन है मशीन वगैरह। देन आ जाए थोड़े से आगे, करंट टैक्स पेएबल कभी सुना बेटा आपने, करंट टैक्स पेएबल, इसमें पास्ट इवेंट के फॉर एग्जांपल 3 million का अर्निंग ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट्स, क्या प्रॉफिट्स कमा लिए होंगे, जब कमाने होंगे अगले साल जो कमाने उसका भी तो टैक्स दिए होंगे, अर्निंग ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट्स। ग्रेजुटी पेएबल ऑफ सुना, इस केस में क्या है, सर्विसेज के एंगल से जितना टाइम पीरियड गुजर गया होगा उस टाइम पीरियड की लायबिलिटी, फॉर एग्जांपल 2 million सर्विसेज, ऑब्टेनिंग सर्विसेज। बैंक लोन, सपोज 5 million rupees का बैंक लोन है, लायबिलिटी है, पास्ट इवेंट डिसाइड हो रहे हैं, पास्ट इवेंट के लोन ले लिया होगा या लेना होगा, आपका प्लान है नेक्स्ट ईयर लोन लूंगा, एंट्री बोल अभी नहीं, जब ले लेंगे तो व्हाट इज द पास्ट इवेंट, ऑब्टेनिंग कैश अगेंस्ट एग्रीमेंट, कैश लेने से ही हो जाएगा इस कंडीशन पे, कैश लेना कि हमने वापस करना, ऑब्टेनिंग कैश अगेंस्ट लोन एग्रीमेंट। इंटरेस्ट पेबल,
फॉर एग्जाम्पल 1 मिलियन इंटरेस्ट पेबल है, इसका बताइए पासवर्ड। लोन ले लिया है या लोन लेने के बाद टाइम गुजर गया? अगर लोन लिया है आज तो आज ही फ्यूचर का सारा इंटरेस्ट लाइबिलिटी बन गया है, एक महीना गुजर गया है पैसे नहीं दिए तो उस महीने का इंटरेस्ट अब लाइबिलिटी है, या फ्यूचर में जो इंटरेस्ट देना होगा लाइबिलिटी है। रिलीज में बातें होती नहीं है, अगर टाइम गुजर गया है और पे हो गया है तो एक्सपेंस तो है पेबल नहीं है, लेकिन अगर टाइम गुजर गया है और पैसे नहीं दिए तो फिर पेबल है, जो फ्यूचर का इंटरेस्ट है वो अभी वैसे ही लाइबिलिटी नहीं है। लीजर अगर है मिला है टेबल याद है तो फ्यूचर वाला इंटरेस्ट नहीं, जो टाइम गुजर गया फॉर एग्जांपल 10 मंथ्स गुजरे हैं आ रहेगा याद, 10 मंथ्स गुजरे हैं पैसे नहीं दिए, साल गुजर गया पैसे नहीं दिए, नेक्स्ट ईयर में देने हैं तो पैसे जब टाइम लोन लेने के बाद पैसे वक्त गुजरना आफ्टर पेनिंग हो। क्या ये सारी लाइबिलिटीज हैं सर? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, बैलेंस शीट डेट पे सेटल करेंगे तो कैश आउटफ्लो होगा। पास्ट इवेंट्स की खास तौर पे बात हुई है तो लिस्ट बना लेंगे फिर इसी से आगे चलते हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज क्लियर है, कैसा एक्सपीरियंस रहा सर आपका घर पढ़ने का? नहीं मैंने एक सवाल किया आप लोग फिर परेशान हो गए, मतलब एक सिंपल सा जवाब यस या नो में हो सकता है, या आप सोच रहे हैं? क्या मुतमिन है? यकीनन इससे ज्यादा भी वक्त जाया हो सकता था, रब ने यकीनन बचाया लगता। पहले बुक आज अरेंज कर लीजिएगा, जिनके पास ऑप्शन होती है वो तो आप लोग को शुरू करें ना। ये वसीम किसी से कंपेयर कर लीजिए, बस हम आप इससे कंपेयर कर लीजिएगा थोड़ा बहुत प्लस माइनस वन हो जी सर, इंशाल्लाह टेस्ट कर लीजिए किसी न्यू बुक से कम कंपेयर कर लीजिएगा, एक्स्ट्रा पेजेस अगर है एक दो जगह बस चेंजेस भी है मेरा। नोट करके कहीं बताइएगा,
ये कर लेते हैं बेटा इधर ही। मैं सब बता दीजिए। सिस्टम देने में लाइट में सर कोई नहीं सर, जा रहा है सर इतना नाजुक। अच्छा सर दिल लगा हुआ इतना ज्यादा तो नहीं है, आप कुछ ज्यादा खामोशी से पढ़ रहे हैं सर। जी नोट कर लिए सर जी। बड़ा लाजमी है कि नहीं स्टैंडर्ड लेना, ये तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन अल्लाह करे जरूरत ना ही पड़े। लेकिन बारह बहुत से स्टैंडर्ड ऐसे हैं जिसमें फिर रट्टा लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। ये FA2 के लेवल पर काफी ज्यादा ही है, बल्कि शायद रिमेनिंग जितने भी हैं वो मैक्सिमम में मेरा ख्याल स्टैंडर्ड में से कम अज कम ये डेफिनेशन वगैरह याद करने से बच सकते हैं। एक फैसिलिटी अगर है मेरा ख्याल अवेल करने में हर्ज नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो फैसिलिटी कॉस्ट पे के साथ ही है। इतना माइंड ना अप्लाई किया करें, स्टैंडर्ड की PDF मिल जाएगी वो क्या करनी है। जाने दें यार गुस्सा को जाने। ये सर जी जो बात हो रही थी वो क्या है, डेफिनेशन पे आ जाए। डेफिनेशन देखनी थी आप लोगों ने, डेफिनेशन पर लिखनी थी प्रोविजन और लाइबिलिटी। जी सर जी हम बात करने लगे थे प्रोविजन। प्रोविजन की बात करते करते बीच में एक वर्ड आ गया था लाइबिलिटी, तो आप जाए वापस रख प्रोविजन। प्रोविजन भी एक लाइबिलिटी है एज पर IS-37। हम जिस प्रोविजन की बात कर रहे हैं वो एक लाइबिलिटी है, लेकिन उस लाइबिलिटी और नॉर्मल लाइबिलिटीज में डिफरेंस ये है कि प्रोविजन वाली लाइबिलिटी में अमाउंट ऑफ सेटलमेंट या टाइमिंग ऑफ सेटलमेंट में कुछ अनसर्टेनिटी होती है। दोनों में भी हो सकती है, किन दोनों में और किसी एक में भी अनसर्टेनिटी हो सकती है, या टाइमिंग ऑफ सेटलमेंट वो कब सेटल करना है, कितने पे सेटल करना है। अगर तो अनसर्टेनिटी नहीं है तो वो तो सिंपल लाइबिलिटी, लेकिन अगर बीच में अनसर्टेनिटी आ जाए विद रिस्पेक्ट टू सेटलमेंट ऑफ अमाउंट या सेटलमेंट ऑफ अ टाइम, किस दिन सेटल होनी है, कब सेटल होनी है, तो देन फिर अनसर्टेन अनसर्टेन लाइबिलिटी को कहते हैं प्रोविजन। अब आ जाइए अनसर्टेनिटी वाली बहस बीच में क्या होगी। दोबारा ये जो एग्जाम्पल्स देखिए इसी पर, क्रेडिटर। अब ये अनसर्टेन नॉट अनसर्टेन के एंगल से डिस्कस होना था। क्रेडिटर की लाइबिलिटी बनती है बिकॉज ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। जब आप कुछ चीजें खरीदते हैं तो बिजनेसेस में खरीदेंगे तो खास तौर पे इनवाइस साथ मिलेगी, उसमें अमाउंट भी लिखी होगी और टाइम पीरियड भी एग्रीड होगा। कोई खास अनसर्टेनिटी वाला एलिमेंट नहीं है, तो इट मींस क्रेडिटर लाइबिलिटी तो है प्रोविजन नहीं। इलेक्ट्रिसिटी बिल तो बेस्ट एग्जांपल है शायद, अमाउंट भी बिल के ऊपर लिखी होती है, ड्यू डेट भी लिखी होती है, और अगर ड्यू डेट पे नहीं देंगे तब भी एक्स्ट्रा पैसे भी लिखे होते हैं, तो उसमें तो अनसर्टेनिटी वाली बात कोई खास बिल्कुल नहीं। तो ये भी लाइबिलिटी तो है प्रोविजन नहीं। समझ आ रही। सैलरी पेबल आप बताएं, एम्प्लॉय के साथ एग्रीमेंट है, उसे पता मेरे कितने पैसे मिलने हैं, नॉर्मली 5 दिन मैक्सिमम 10 दिन, ये भी अंडरस्टूड सही होता है, तो इसमें भी कोई खास अनसर्टेनिटी वाला एलिमेंट मौजूद नहीं है। रेंट पेबल, रेंट एग्रीमेंट में ड्यू डेट्स भी डिसाइडेड होती हैं। करंट टैक्स पे मुझे 400 दो। प्रॉफिट तो आ गया है, आपने अपनी वर्किंग भी कर ली है, अकाउंटिंग प्रॉफिट से शुरू किया है, टैक्सेबल प्रॉफिट निकाल दिया है, फिर करंट टैक्स कैलकुलेट करके आपने डबल एंट्री कर ली है और रिटर्न फाइल कर दी है, फिर असेसमेंट शुरू हो गई है। ये फाइनली जाके असेसमेंट कब फाइनल होगी, एक दफा अगर हो भी जाए तो रीओपन हो जाती है। ये ओवर प्रोविजन और अंडर प्रोविजन का भी पता चल जाता है। वो क्या होता है, वो क्या होता है, क्या अंडर ओवर असेसमेंट हो जाती है सर, तो आपने रिटर्न जमा करानी, बाद में उसमें एडजस्टमेंट हो जाती है, तो अल्टीमेटली कितना अमाउंट ऑफ टैक्स फाइनल होगा, कब फाइनल होगा, अगला साल भी हो सकता है, फिर रीओपन हो सकता है, अगले कई साल से इसका चल सकता है, तो अनसर्टेनिटीज इसमें इन्वॉल्व है। एक हमारा अपना एस्टीमेट है, क्या वही फाइनल होना जरूरी है। अंडर ओवर असेसमेंट याद आ रहा है, तीन तरह के टैक्स के कंपोनेंट्स थे,
करंट टैक्स, डेफर टैक्स और प्रायर ईयर टैक्स। ये प्रायर ईयर टैक्स कब होता है? पिछले सालों का टैक्स अगले जाके फाइनल हो तो अंडर असेसमेंट भी पता चल सकती है, अंडर प्रोविजन, ओवर प्रोविजन, अनसर्टेनिटी थी सर जी इसमें इन्वॉल्व है। टाइम भी पता नहीं कब तक, ये किसके हाथ में टाइम? इनकम टैक्स और नहीं कमिश्नर से, अपीलेट ट्रिब्यूनल और कोर्ट और वगैरह वगैरह, गेम आगे से आगे कब तक फाइनली चला जाएगा सिलसिला कुछ कह नहीं सकते। और फिर अल्टीमेटली कितने पे लाइबिलिटी सेटल होगी इसमें भी अनसर्टेनिटी हो सकती है। देयर फोर लाइबिलिटी तो ये है, लेकिन इसके साथ ज्यादा बेहतर वर्ड ये होगा आज से ऑनवर्ड्स, अब से ऑनवर्ड्स, सारी बात मैंने पहले ही बताई थी, इसे प्रोविजन फॉर टैक्स बोला जाए। क्या मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स? टैक्स पेबल। खैर बाद में लिखिएगा, मैं बात जरा पूरी करूँ। बस अगर मैं कभी प्रोविजन फॉर टैक्स वर्ड बोलूँ तो इसका मीनिंग क्या है? नहीं तो ये टैक्स पेबल, लेकिन प्रोविजन अगर वर्ड आ गया तो फिर भी लाइबिलिटी है लेकिन अनसर्टेनिटी होगी इसमें, बस दैट्स इट। व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ करंट टैक्स? करंट टैक्स इज माय डेबिट, प्रोविजन फॉर टैक्स क्रेडिट इज अ लाइबिलिटी, अनसर्टेन होने की वजह से साथ प्रोविजन वर्ड रखे। तो बाद में लगा लीजिएगा, पहले और जरा एक बात बोलूँ। सिमिलरली अब ये ग्रेजुटी पेबल है, सर्टन है कब देनी है, ये अनसर्टन है कब रिटायर होगा या खुदा ना खास दुनिया से चला जाए, अगले साल ही टर्मिनेट हो जाए, जॉब छोड़ के चला जाए, हो सकता 20 साल पूरे कर दे, कब देने पड़ेंगे। इसलिए इसको हमेशा शायद नॉन करंट डायबिटीज में भी हमने सोचा, तो इसलिए इसके साथ ये पल के आपके पास आया वॉल्यूम वन हो गए सर, पेज नंबर 67 ढूंढना, 67 या 69 से। प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी, ये तो बार बार क्वेश्चन में भी आता रहा। उन्होंने पेज नंबर वो फर्स्ट पेज जो था पॉइंट नंबर 6 7 था 8 देखा। तो व्हाट इज द डबल एंट्री? प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी, कोई एंट्रीज नहीं बदलनी, प्लीज एक्सपेंस डेबिट है। पेबल ग्रेजुटी, पेबल बोलने की बजाय प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी बोलना ज्यादा मुनासिब है एज प्राइस स्ट्रेटजी, सॉरी एज प्राइस स्ट्रेटजी। आगे हैं फिर और एग्जांपल्स पे आते हैं। देन उसके बाद आगे बैंक लोन, बैंक लोन के पैसे कब कब कितने कितने देने हैं एग्रीमेंट में डिफाइन हो, कोई इसमें अनसर्टेनिटी, 5 साल का लोन है, 2 साल का है, सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट है, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है, एवरीथिंग इज डिफाइंड। इंटरेस्ट पेएबल सर्टन है, पैसे कब देने, इंस्टॉलमेंट के साथ देने, मंथली देने, सब कुछ एग्रीड होता है, रेट होता है, जो टाइम गुजरा है उसकी कैलकुलेशन हो जाती है, कोई एसेट अमाउंट और टाइमिंग में अनसर्टेनिटी वाली बात नहीं है। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और बीच में लिस्ट में इकट्ठी कर लेते हैं फिर फाइनल आप लिखिएगा। अगर कोई कोर्ट में केस चल रहा है, लिटिगेशन, लिटिगेशन एक्सपेंस पेबल हो सकता है। कोर्ट में कोई केस चल रहा है, किसी कस्टमर ने आपके अगेंस्ट, डिफेक्टिव गुड सप्लाई के अगेंस्ट फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट में केस कर दिया, आपने अपने लीगल एडवाइजर लॉयर से पूछा एज अ कंपनीज लीगल एडवाइजर कि आप कि क्या हालात चल रहे हैं, उसने कहा लगता है कि पैसे देने पड़ेंगे, तो जब देंगे तभी एंट्री करेंगे या जब लाइबिलिटी नजर आ रही होगी रिकॉर्ड हो जाएगी तो क्या एंट्री होगी? लिटिगेशन एक्सपेंस डेबिट, पेएबल क्रेडिट, लेकिन ये अमाउंट अल्टीमेटली कितनी होगी वो तो तभी पता चलेगा जब फाइनली कोर्ट का डिसीजन होगा। आप अपने लीगल एडवाइजर से पूछेंगे कि जी कितना लग रहा है, अगर वो कोई आपको रिलायबल अमाउंट बता दे जो उसके अंदाजे के मुताबिक मुनासिब अमाउंट है फिर तो आप एंट्री कर लेंगे। लेकिन अब ये फाइनली सेटल कब होनी है, कोर्ट का डिसीजन कब आता है, जजिस कब फैसला करते हैं, हमें अल्टीमेटली कितने पैसे देने पड़ेंगे, इसमें नॉर्मली सर्टेनिटीज इन्वॉल्व नहीं होती, अनसर्टेनिटीज इसमें रहती हैं। हाँ, एंट्री करने से पहले हम अपने लीगल एडवाइजर से ये जरूर पूछेंगे कि क्या इसका कोई रिलायबल एस्टिमेट है, इसका अमाउंट कितनी पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो फॉर एग्जांपल के इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता तो डेफिनेटली आप फिर एंट्री करेंगे नहीं। लेकिन अगर कोई रिलायबल एस्टीमेट मिल जाए तो रादर देन के फिर आप पेमेंट डेट का इंतजार करें, अक्रूअल बेसिस पर आप एक्सपेंस डेबिट और लिटिगेशन पेएबल क्रेडिट करेंगे। लेकिन क्योंकि अनसर्टेन अमाउंट अभी भी है इसलिए क्या वर्ड फाइनली हो जाएंगे? प्रोविजन फॉर लिटिगेशन हो सकता है सर। लिटिगेशन, लिटिगेशन सही वर्ड पता ना, कोर्ट में केस चल रहा है, लिटिगेशन पेबल, लिटिगेशन एक्सपेंस पेबल, लेकिन ज्यादा बेहतर वर्ड क्या होगा कि हम क्या यूज करें? वाई वाई वाई
अमाउंट और टाइमिंग में अनसर्टेनिटी हो सकती है. लेट्स सी 2 मिलियन, इज इट अ लायबिलिटी वैसे? लेकिन अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होने की वजह से ये प्रोविजन भी है. क्या हर लायबिलिटी प्रोविजन? लेकिन क्या हर प्रोविजन पहले लायबिलिटी है और फिर अनसर्टेन है? अनसर्टेन लायबिलिटीज फिर प्रोविजन. एक और चीज बीच में है, वारंटी. वारंटी मोबाइल्स वारंटीज देती हैं कंपनीज, क्लेम्स. अब आप इस वक्त कोई मोबाइल कंपनी में है, आपने कुछ मोबाइल्स बेचे हैं इस कंडीशन पे कि अगर कोई डिफेक्ट होगा तो हम या उन डिफेक्ट्स को रिमूव करेंगे या फॉर एग्जांपल मोबाइल रिप्लेस करेंगे वगैरह वगैरह, तो आपने वारंटीज दी हैं. क्या ये वारंटी देने से आपकी कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाएगी? लेकिन आप पहले क्या एस्टिमेट करेंगे, जो मैंने मोबाइल बेचे उसमें से कितने में डिफेक्ट्स आएंगे, किस किस तरह के डिफेक्ट्स आएंगे, उन डिफेक्ट्स को रिमूव करने पे कितने खर्चे होंगे, तो टाइम पीरियड होता होगा मतलब साल का, 6 महीने का वगैरह. तो अब एग्जैक्टली किस कस्टमर ने आना है, कब आना है, आप अंदाजा तो मैक्सिमम लगा सकते हैं बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस इफ एनी, लेकिन ये कहना कब आएगा, फिर किस तरह का उसके मोबाइल में डिफेक्ट होगा, उसके मोबाइल में किस तरह का डिफेक्ट होगा, बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस अगर कोई रिलायबल एस्टिमेट बन जाएगा तो आपको अपनी वारंटी पेएबल की ऑब्लिगेशन बनानी चाहिए. लेकिन अगर रिलायबल एस्टिमेट नहीं बन पा रहा, ये बार बार मैं वर्ड बोल रहा हूँ रिलायबल एस्टिमेट, इसका समझ आता है? ये नहीं कि बस जो दिल किया बस एंट्री कर ली. अमाउंट अगर एस्टिमेटेड भी हो तो वो रिलायबल होनी चाहिए. लेकिन अगर रिलायबल एस्टिमेट नहीं हो पाता फिर तो हम एंट्री नहीं कर सकें. लेकिन अगर रिलायबल एस्टिमेट बन जाएगा तो वारंटी ऑब्लिगेशन की क्या एंट्री बनेगी? वारंटी एक्सपेंस है, प्रोविजन क्यों बोलेंगे? ठीक है, तो वारंटी पेएबल के लिए IAS 37 में सही वर्ड क्या है? प्रोविजन फॉर वारंटी. डबल एंट्री ऑफ प्रोविजन फॉर वारंटी. एक जरा FA1 जहन में थोड़ा सा लाना, IAS 16 जहन में लाना. कभी डिसमेंटलिंग वर्ड सुना आपने? डिसमेंटलिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है? एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ एसेट को जो इंस्टॉल था डी इंस्टॉल करना है, फिर साइट रिस्टोर करनी है, तो वो पैसे अल्टीमेटली कितने जाएंगे वो पहले हम अंदाजा लगाते हैं, फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी लेते हैं. तो 20 साल 25 साल बाद अगर जाएंगे, टाइम तो शायद अंदाजन पता है एग्रीमेंट में अगर डिफाइंड है, लेकिन वो अल्टीमेटली कितने पैसे लगेंगे कि जिसमें हम अपने एसेट को डिसमेंटल करें, साइट रिस्टोर करें, तो उसमें भी अमाउंट शायद अनसर्टन होने की वजह से प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग वर्ड यूज होता है. उसके लिए तो मैं वर्ड लिख ही रहा हूँ, प्रोविजन. लायबिलिटी फॉर डिसमेंटलिंग, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग. क्यों प्रोविजन वर्ड लगा रहा हूँ? एग्रीमेंट हुआ हुआ है, पैसे देने हैं आपने साइट रिस्टोर करने के लिए, डिसमेंटलिंग वर्ड आ रहे हैं यार. आपकी बहस अभी इस पे और भी है, इसके डबल एंट्री को याद करवाएगा. ये फिर वो आई 16 में ये वो डिसमेंटलिंग की जो प्रोविजन थी ये एसेट में डेबिट होती है, बाकी सब कुछ तो एक्सपेंस आउट ही हो रहा है. लेकिन ये एज पर आई 16 जब कॉस्ट की प्लस कर रहे होते थे तो उसमें फिर एसेट की कॉस्ट प्लस होते हैं. तो व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग? एसेट डेबिट हो रहा है एज पर आई 16, कॉस्ट कंपोनेंट्स ऑफ आई 16. और जो ये प्रोविजन क्रेडिट हो रही है दिस इज एज पर आई 37. क्या हर प्रोविजन को पहले लायबिलिटी होना चाहिए? Yes, sir. और फिर अगर अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है विद रिस्पेक्ट टू टाइमिंग और अमाउंट, तो देन फिर वो लायबिलिटी प्रोविजन भी कहलाती है. लिखने जहां जहां मैंने प्रोविजन वर्ड लगाया तो आप लोग भी देखो. सर जब मैंने लिख दिया सर, यकीन मैंने बोला चलो. यहां तक नोट कर लेना आप.
ग्रेजुटी में असल में आपने जितना पढ़ा है उसके मुताबिक तो सर्टन है, लेकिन बड़े होंगे जब आप, तो ग्रेजुटी भी प्रेजेंट वैल्यूज की बेस पे रिकॉर्ड होती है, लेकिन उस पर टाइमिंग का मेन मसला है। ये लास्ट वन की एंट्री कम से कम जरूर लिखी रहेगी, बाकी में जितनी भी लाइब्रेरीज है एक्सपेंस है डेबिट है। वो भी लाइब्रेरी है नहीं, देना है लेकिन 3 4 साल बाद अगर देना है तो उसके प्रेजेंट वैल्यू होगी। एक दूसरा था कि पता नहीं देना है नहीं देना, तो उसकी फिर फेयर वैल्यू फिर वर्किंग होगी, तो अभी लाइब्रेरी पैसे देने, लेकिन हो सकता है देने पड़े ना देने पड़े, वो फिर इसका एस्टिमेट है कि देने कितने पड़ सकते हैं, और बाद में फिर चेंज इन एस्टिमेट है, वो भी लाइब्रेरी ही रिकॉर्डिंग टेबल ही रिकॉर्ड हुआ है। प्रवीण वर्ड यूज हो सकता है समटाइम, लेकिन जिसमें करंट टैक्स पेबल है बोल देते हैं हम, ज्यादा बेहतर है स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हम प्रवीण ही वर्ड यूज करें। जैसे भी आपने कहा कि फ्यूचर में मस्ट बी नहीं, अगर आपको लग नहीं फ्यूचर नहीं, पास्ट पास्ट इवेंट्स बताएं जी, इनके पास्ट इवेंट्स हैं कि वारंटी पेबल सेल ऑफ गुड्स, क्या जो गुड्स अभी फ्यूचर में बेचनी होंगी उनकी वारंटी की एप्लीकेशन। आपने गुड्स बेचनी है, अब आपको लग रहा है अगर कि इन गुड्स में जो बेची है अगर कोई डिफेक्ट होगा और उसे रिमूव करना पड़ेगा, और आप समझते हैं कि ऐसे वाकई क्लेम्स आते हैं और आएंगे, तब आपकी लाइब्रेरी। अगर आपको लग रहा है कोई क्लेम नहीं आएगा, हमारी गुड्स ही ऐसी हैं कि इसमें कोई डिफेक्ट आता ही नहीं है, तो आपकी कोई लाइब्रेरी है। ऊपर वापस आए लिखिए, व्हाट इज द पास्ट इवेंट ऑफ प्रवीण फॉर डिसबैंडिंग, ये भी पिछले लिखवाएं लिखे जरा तो जहन में लाए जरा। हाँ जी, इंस्टॉलेशन ऑफ एसेट, इंस्टॉलेशन ऑफ एसेट, एसेट इंस्टॉल कर लिया है और एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि इसे एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ डी इंस्टॉल डी कमीशन डिसमेंटल करना है। इंस्टॉलेशन ऑफ एसेट एज पर एग्रीमेंट, चलें एज पर एग्रीमेंट रहने दें। एक और सिचुएशन भी है, इंस्टॉलेशन ऑफ एसेट, क्या इंस्टॉल हो गया क्या करना है? जी सर, वापस ऊपर डेफिनेशन में आएगा। प्रोविजन पहले लायबिलिटी होना जरूरी है और फिर उसके बाद अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी है। तो IAS 37 में जिन प्रोविजंस की हम बात कर रहे हैं वो पहले प्रोविजंस लाइबिलिटी होंगी तो अनसर्टेनिटी की बात हो रही है। अब कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे हम प्रोविजन वर्ड यूज करते रहते हैं, लेकिन असूलन वहां वर्ड यूज नहीं होने चाहिए एज पर IAS 37, इसीलिए शायद वो उनके ऑल्टरनेट वर्ड भी हम देखना शुरू हो गए हैं। तो इसमें सबसे कॉमन एग्जाम्पल एक है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जहन में लाया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का मीनिंग बताएंगे। 50,000 रिसीवेबल है, 10% नहीं मिलेगा, 5% नहीं मिलेगा, पैसे देने पड़ेंगे या नहीं मिलेंगे, तो ये ऑब्लिगेशन है ना। इज इट अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी की डेफिनेशन देखेंगे। इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के, फॉर एग्जांपल अगर 15,000 प्रोविजन है तो 15,000 हमें देने पड़ेंगे, क्या होगा, देने पड़ेंगे या शायद नहीं मिलेंगे, तो हमारा कोई आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, हमारे इनफ्लोस कम हो रहे हैं। व्हाट इज द डबल एंट्री, क्रेडिट एबिट प्रोविजन क्रेडिट, प्रोविजन क्रेडिट प्रोविजन जरा ढूंढे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कहीं होती है? बैड डेट्स नहीं, बैड डेट्स प्रॉफिट लॉस में होते हैं, प्रोविजन की बात नहीं होगी, प्रोविजन डेटर्स में से माइनस होती है, तो प्रोविजन इज नॉट अ लाइबिलिटी। असूलन इसे प्रोविजन बोलना ही नहीं चाहिए एज पर IAS 37, लेकिन पुराना बोला जाता है, अभी तक बोला जाता है, लेकिन ज्यादा बेहतर वर्ड इसका वही है जो आपको
ज्यादा बेहतर पता है। ये वर्ड बदल चुका है अलाउंस फॉर बैड डेट्स, लेकिन वो पुरानी प्रैक्टिस जो है जुबान पे शायद चलती हुई, एक वर्ड बोला जाता है लिखा जाता है, लेकिन असूलन आईएस पर आई 37 इसे क्या नहीं बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये लाइब्रेटी नहीं है। तो अगर लाइब्रेटी नहीं तो अगली बात खत्म होगी। अच्छा वैसे ये अनसर्टन है, पता नहीं उसे उतने ही होंगे उसे कम होंगे, लेकिन अनसर्टेनिटी तो बहुत बाद में आएगी। पहले लाइब्रेटी अगर नहीं है तो असूलन इसको क्या ही बोलना चाहिए, लेकिन बहरहाल क्वेश्चन में लिखा होता है, या इस तरह कम अज कम जरूर जहन में रख लें कि ये वो प्रवीण नहीं है जिसकी IS-37 बात हो। IS-37 में किस प्रवीण की बात हो। एक और वर्ड वैसे अब कम ही यूज होता है, लेकिन कहीं मेरा ख्याल है कि F1 वगैरह में यूज हुआ हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के एंट्री बताए, वैसे तो इसका वर्ड बदल ही गया, ज्यादा मतलब यही यूज हो रहा है accumulated appreciation, लेकिन अगर एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोला भी जाए accumulated appreciation के अगेंस्ट, तो दिस इज वंस अगेन अ लायबिलिटी। ये भी कहां से लेस होना, एसेट में से लेस होना, तो ये भी एसेट की जो कमी है वो बता, जिस तरह अलाउंस फॉर बैड डेट्स है। तो अगर प्रोविजंस वर्ड लग भी जाए इनके साथ, तो दीज आर नॉट द प्रोविजंस व्हिच आर एड्रेस्ड इन IS-37, नॉट अ प्रोविजंस अकॉर्डिंग टू, और तो मेरे ख्याल कहीं नहीं है। देख रहे और बताओ बैद ना कहें या क्या हो गया, एक्सेप्शन एक्सेप्शन कह सकते हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं सर, ये हमें बस पुरानी बहस है, ये वर्ड ऐसा ऐसा बदल गए हैं, एक्युमुलेटेड अप्रिसिएशन तो तकरीबन बदल ही गए, ये भी इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ शायद खत्म हो ही जाए। जी अगर कुछ पैसे नेक्स्ट ईयर पे करने लग रहा है कि पे करने पड़ेंगे तो करंट लायबिलिटी है, और अगर आफ्टर 1 ईयर पे करने पड़ेंगे तो नॉन करंट लायबिलिटी, तो वो पॉसिबल है। चलो पे नंबर है कौन सा थे आपके पास, आ जाए बस पे स्टार्ट में तो वही चीजें लिखी हुई है, एक नजर देखा। Provision is a liability for certain amount of timing. Liability is the present obligation arising from past event. The settlement of which results into outflow of resources. Examples, मेरे ख्याल बात होगी सारी। Entries बोलेंगे आप लोग। Provision for taxation. Provision for gratuity. Pence debit. Provision for gratuity credit. Provision for dismantling की सोच के। बस यहाँ ऐसा debit है, otherwise शायद expense ही है। Provision for litigation expense debit, litigation expense debit, legal expenses debit, payable credit, provision credit, provision for warranty, warranty expense debit, difference between a provision and a liability, provision में left side पढ़ते नहीं, अगर आप ऊपर लिखा हुआ timing or amount is uncertain, for example court case, warranty obligation, liability में their amount or timing is not uncertain, paid payables, accrued expenses, ठीक है जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन टू रिकॉग्नाइज अ प्रोविजन. रिकॉग्नाइज का मतलब रिकॉर्ड. किस दिन आप प्रोविजन को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लायबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड कर लेंगे, मींस किस दिन डबल एंट्री करेंगे. नहीं एक मिनट सर साथ सुनो. साथ साथ में कुछ ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स के पैरा नंबर्स देखे हुए, ये रट्टा तो नहीं लेकिन बहरहाल कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए. तो ये पैरा नंबर्स का मतलब ये होगा कि इंशाल्लाह हम उन पैराग्राफ नंबर्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे ताकि अगर कभी जरूरत पड़े तो याद दिहानी के लिए ढूंढा जा सके. लेकिन इसका बहरहाल ये भी मतलब नहीं होता कि कोई भी क्वेश्चन आया तो आप स्टैंडर्ड खोलिए. मेन मेन आपको याद ही होगा, कभी अगर भूल जाए तो उससे हेल्प ली जा सकती है. तो तीन कंडीशंस जिस वक्त पूरी हो जाए उस वक्त एक प्रोविजन को बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया जाता है क्रेडिट करके. लायबिलिटी है सर. तो 1, 2, 3 जरा ढूंढना है. नंबर 1, देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट. नीचे टेबल बना हुआ है थोड़ा सा उसको छोड़ के नंबर 2 पे नीचे. देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज. पहले और दूसरे पॉइंट को अगर हम दोबारा गौर से देखें तो ये शायद लायबिलिटी की बात है. मीन्स पहला और दूसरा पॉइंट सिंपली ये है कि पहले प्रोविजन भी रिकॉर्ड होनी है तो लायबिलिटी तो पहले बने ना. तो बारह पढ़े बन मेन वर्ड्स के प्रेजेंट ऑब्लिगेशन रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट एंड दे एंड इट इज अ प्रोबेबिलिटी आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज. अब थर्ड इज न्यू थिंग, ऑल्दो अमाउंट और टाइमिंग इज अनसर्टन. होती है हो सकता है अमाउंट और टाइमिंग अनसर्टन हो लेकिन अ रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड. लेकिन अगर रिलायबल एस्टिमेट इज नॉट अवेलेबल तो कंडीशन आर नॉट फुलफिल्ड. एक और सेंटेंस देखें जरा, तीनों मीट होंगी तो प्रोविजन की डबल एंट्री होगी. मीन्स से फॉर एग्जाम्पल कोर्ट में केस चल रहा है, लीगल एडवाइजर कहता है पैसे देने पड़ेंगे, आपने पूछा कितने, उसने कहा इसका अंदाजा अभी लगाना मेरे लिए मुश्किल है, तो क्या पहली दो पॉइंट्स अप्लाई हो गए हैं. लेकिन अगर अंदाजा नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, इस तरह नहीं कि जो दिल कर एंट्री कर दें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेस पे शेयर होल्डर्स ने डिसीजन मेकिंग करनी है, रिलायबल फिगर्स होनी चाहिए. एग्जैक्ट जरूरी नहीं है, एस्टिमेट चेंज हो सकते हैं लेकिन रिलायबल एस्टिमेट्स होने चाहिए. तो अगर रिलायबल अमाउंट नहीं मिल रही तब आप प्रोविजन की डबल एंट्री नहीं करेंगे. हाँ उसका क्या करेंगे को डिस्क्लोज वगैरह की बात इंशाल्लाह बाद में करेंगे. तो व्हाट आर द 3 कंडीशंस which are needs to be which will which are required to be fulfilled before a provision should be recognized. Present obligation or probability of outflow of resources or a reliable estimate. Tino dekhne lekin main words teen zara syntax ke zehn mein rakho. Present obligation, probability of outflow of resources and reliable estimate can be made. Agar kuch bhi reh jaye to provision record nahi hogi, fir kya hoga inshallah baat ki bahas. ठीक है जी. यहाँ तक देन आ जाए जरा नंबर 1 के नीचे एक छोटा सा टेबल बना हुआ. प्रेजेंट ऑब्लिगेशन की बार बार बात हो रही है. प्रेजेंट किसे कहते हैं, आज एक ऑब्लिगेशन है. आज मीन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट की बात हो रही है. लायबिलिटीज बैलेंस शीट डेट पे होते हैं. ऑब्लिगेशन अब दो तरह की होती है. देर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्लिगेशन. किसकी बहस होने लगी. ऑब्लिगेशन लीगल भी होती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है. लीगल पे आ जाएगा that derives from a contract, legislation, operation of law. किसी contract की वजह से अगर liability बने, किसी law की वजह से liability बने या किसी court decision की वजह से liability बने उसे बोलते हैं operation of law. तो अगर किस किस वजह से, किसी contract की वजह से, law की वजह से या court decision की वजह से उसे कहते हैं legal obligation. राइट साइड पढ़ने पर इसी एग्जांपल्स पे आते हैं. एक होती कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन दैट डिराइव्स फ्रॉम एंटिटीज एक्शन, सेल्फ अज्यूम्ड सॉर्ट ऑफ ऑब्लिगेशंस. नहीं एक नहीं जाने दें सर. दैट डिराइव्स फ्रॉम एंटिटीज एक्शंस दैट क्रिएट्स बरीड एक्सपेक्टेशंस. आपका कोई ऐसा एक्शन है जिसकी वजह से लोगों में कुछ एक्सपेक्टेशंस अराइज हो गई हैं कि आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करेंगे और अपने पैसे आउटफ्लो अपने पैसों का आउटफ्लो करेंगे. दो वर्ड्स में इंपॉर्टेंट है. नंबर 1 एंटिटीज एक्शन दैट क्रिएट्स
वैलिड एक्सपेक्टेशंस, किस चीज के वैलिड एक्सपेक्टेशंस पढ़ ले पहले पूरा, था कि लोगों में ये एक एक्सपेक्टेशन राइज हो जाएगी कि आप आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज करेंगे अपनी सेक्शन की वजह से। हम इस तरह करते हैं जो ऊपर लिस्ट बने, बल्कि रजिस्टर में जो लिस्ट बनाई उसे जरा सामने रख लेते हैं, क्या उस लिस्ट में हमारी ऑब्लिगेशन है? सही है। अब ये जरा सोचते हैं कि क्या लीगल है, और अगर लीगल है तो किस वजह से लीगल है। अब लीगल में भी तीन चीजें आई हैं, कौन कौन से? कॉन्ट्रैक्ट है, लेजिस्लेशन है, या ऑपरेशन ऑफ लॉ है। और फिर ये भी देखते हैं कंस्ट्रक्टिव के साथ सेल्फ अज्यूम लिखें, जो लिख सकते हैं सेल्फ अज्यूम्ड ऑब्लिगेशंस। अब सेल्फ अज्यूम का मीनिंग भी क्या है, ये भी ब्रॉड डिस्कस करता हूं। ये पहली से जरा शुरू करें, बल्कि अगर सिर्फ हम प्रोविजंस की बात करें, प्रोविजंस ढूंढने के बीच में कौन कौन से? दी करंट टैक्स पेएबल मींस प्रोविजन फॉर टैक्स, इज इट अ लीगल ऑब्लिगेशन? क्या गवर्नमेंट से आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ? गवर्नमेंट से आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। क्या कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया आपके अगेंस्ट? लॉ बनाया है गवर्नमेंट ने, तो लेजिस्लेशन की वजह से आपकी लीगल ऑब्लिगेशन। प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी, प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी, शुरू में शायद ये आपका अपना डिसीजन होगा। पाकिस्तान में शायद ये नहीं है कि आपने हमेशा अपने एम्प्लॉयज को ग्रेजुटी देनी है, ये कोई कंपल्सरी नहीं है। शुरू में आपने खुद से ये डिसीजन लिया होगा कि हम अपने एम्प्लॉयज को ग्रेजुटी दिया करेंगे, लेकिन उसके बाद अगर आपका वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया एम्प्लॉय के साथ, और एम्प्लॉय हैज राइट कि वो कॉन्ट्रैक्ट को जाकर कोर्ट से इन्फोर्स करवा सकता है कि मेरी ग्रेजुटी नहीं देते, तो शायद स्टार्टिंग पॉइंट होगा कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, और शायद वो इन्फोर्सेबल बलॉ होने की वजह से बाद में लीगल में कन्वर्ट हो जाएगी। बात समझ है मेरी प्लीज? कंस्ट्रक्टिव के दोबारा जरा, एंटिटीज एक्शन, हमारी चॉइस से लायबिलिटी बनी है, और जिससे अब उस एम्प्लॉय में, जिस एम्प्लॉय के साथ एग्रीमेंट हुआ है, क्या उसमें ये एक्सपेक्टेशंस अराइज होंगी कि मेरे पैसे देंगे? हाँ, अल्टीमेटली हो सकता है उसके पास अब ये राइट हो। अगर फॉर एग्जांपल ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं, फिर वो लीगल में कन्वर्ट नहीं होगा, फिर बस कंस्ट्रक्टिव रहेगी। लेकिन अगर ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन अल्टीमेटली लीगल में भी कन्वर्ट हो सकती है। स्टार्ट कहाँ से शायद हुई होगी? कंस्ट्रक्टिव से, उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाने की वजह से, और अगर वो इन्फोर्सेबल बलॉ है, ये समझ ना इन्फोर्सेबल बलॉ, बाद में अगर कोर्ट में जाकर कहेंगे मेरा समझा तो मजाक में कहा था, ये सीरियस ही हो गया बेचारा, तो वही गलत इशू है। लेकिन नॉर्मली शायद ऐसे हो भी सकता है, होना नहीं चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉय बन के सोच रहे हैं, एम्प्लॉयर बन के सोच रहे हैं? नहीं, न्यूट्रल, ना हम इसे एम्प्लॉय ना हो, हम तो वो हैं। जी सर, प्रोविजन फॉर डिसमेंटिंग, सर कंसंट्रेट जरा, प्रोविजन फॉर डिसमेंटिंग की स्टोरी जरा सही रिवाइज कर दीजिएगा, वैसे में वो एक ऑयल एक्सट्रैक्शन आ जाएगा उसे में। अगर तो किसी मुल्क की गवर्नमेंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से लीगल ऑब्लिगेशन हमारी होगी। लेकिन एक ये भी हो सकता है, कंसंट्रेशन आप सुना, कि हमारा फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन का बिजनेस है, हमारी हिस्टोरिकल प्रैक्टिस है कि हम जब भी किसी मुल्क में एक्सट्रैक्शन करते हैं, हमारी कंपनी की प्रैक्टिस ये है कि हम जाते हुए एसेट को डिसमेंटल करते हैं, साइट रिस्टोर करते हैं, चाहे एग्रीमेंट्स में ना भी लिखा हो। अगर हिस्टोरिकली हम अपनी इस कमिटमेंट को फुलफिल करते हैं, तो जैसे ही आपको नया एसेट इंस्टॉल करेंगे, आपके पास सेक्शंस की वजह से लोगों में वैलिड एक्सपेक्टेशंस राइज हो जाएंगी कि आप अपनी इन कमिटमेंट्स को फुलफिल करेंगे, तो उस केस में कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। लीगल कब होगी, कंस्ट्रक्टिव कब होगी? अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया और कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बलॉ है जो नॉर्मली होगा, तो उस केस में तो लीगल है। लेकिन फर्ज करें लॉ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं भी लिखा हुआ, हमारी पास प्रैक्टिस है और हम पास प्रैक्टिस अपनी हमेशा ऑनर भी करते हैं, मतलब हमने अगर प्रैक्टिस रखी भी है, हम डिसमेंटल करते हैं। ये भी तो हो सकता है ना कि हमने अपने पॉलिसी स्टेटमेंट तो दिए कि हम डिसमेंटल किया करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं की, एक्शन तो हमने लिया हुआ है, स्टेटमेंट बनाई भी है, लेकिन कभी भी अपनी स्टेटमेंट के मुताबिक अमल दरामद नहीं हुआ। तो वंस अगेन, अगर आप कभी इंस्टॉल करेंगे और कह भी देंगे कि हम डिसमेंटल करेंगे, तो मैक्सिमम लोग हल्का सा मुस्कुरा देंगे और आपकी इस बात को इग्नोर कर देंगे। इसका मतलब है सिर्फ एंटिटीज एक्शन जरूरी नहीं है राइट साइड पे। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन में दो चीजें एट अ टाइम होनी चाहिए, एंटिटीज एक्सपेक्टेशन विच रिजल्ट्स इनटू
लोगों में ये एक्सपेक्टेशन भी अराइज हो कि आप ये अपनी ऑब्लिगेशन अब फुलफिल करेंगे, मींस अपने अल्फाज अगर आपने दे दिए हैं, अपनी जुबान दे दी है, तो जुबान वापस आप नहीं लेंगे, जुबान वापस दी जा सकती है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन अगर एंट्रीज एक्शन है और हिस्टोरिकली हम अपने उन एक्शंस के मुताबिक काम करते हैं और आपका नेक्स्ट टाइम भी ऐसा प्लान है, तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन जाएगी। अब यहाँ जैसे ही ये बहस शुरू होती है, गेम ऑन हो जाती है कि अपनी बात अगर की है तो उससे कैसे लायबिलिटी बन जाती है। असल में आप दुनिया के जिन जिन ममालिक को देखते रहते हैं इधर उधर इधर उधर, वहां से आपकी तरह कुछ गलत कॉन्सेप्ट डेवलप हो गए हैं। वरना सीधी सी बात है, हम कहेंगे ही नहीं हमने करना नहीं होता, और हम कहेंगे ही तब जब हमारा इरादा पूरा होगा। बाकी यकीनन हालात हमारे कंट्रोल में नहीं है, और अब के हवाले ख्वाहिश हमारी पूरी होगी वरना हम बात करेंगे, फिर क्या हुआ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेरे साथ रह रहे के बहुत गलत तरफ चले गए जिंदगी में, आप वही हैं जहां पर हैं। सीधी सी बात, फर्ज करें आपने काम नहीं करना, आप कमिटी नहीं करेंगे, कहने की क्या जरूरत है? कभी इत्तफाक हुआ ऐसे? तो किताबों में अल्हम्दुलिल्लाह कोई गलत बात नहीं लिखी हुई, किताबें इंसानों के लिए बनी हैं। और आप तो कहां इंसान, आप तो माशाल्लाह मुसलमान है। जो नहीं, मतलब इंसान मैक्सिमम ये होता है कि मतलब मेरा ख्याल है अगर 4 की रोटियां हो, 2 खुद रख लेता है, 2 किसी को दे देता है। मुसलमान तो ये भी है कि अगर 2 हैं तो उसमें भी शेयर कर लेता है, और अगर ऐसे 1 बार भूखा रहना पड़ जाए उसके लिए कोई इशू नहीं है। आप तो इसी से यूज टू हैं, लेकिन हमें सिर्फ इंसान बन के ये सोचना। हम कमिटमेंट करेंगे कब सर? हाँ, मैंने दूसरी एग्जांपल जरूर दी है। फॉर एग्जांपल, आपने एम्प्लॉइज को बोनस देने का ऐलान किया, एम्प्लॉइज मुस्करा दिए, लो जी फिर आ गया, कोई कंस्ट्रक्टिव एप्लीकेशन नहीं। लेकिन अगर हिस्टोरिकली आप ऐलान करने के बाद बोनस देते हैं, और वंस अगेन आपने ऐलान किया कि हम इस बार बोनस देंगे, तो उस वक्त और लोगों में उम्मीद है, ये हिस्टोरिकली भी है, हमें भी पता है कि इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं, तो अगर आपके एंड एक्शन से एक्सपेक्टेशंस डेवलप होंगी तब कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। सिर्फ कह देना शायद सफिशिएंट नहीं है, उस कह देने के रिजल्ट में क्या राइज होना चाहिए? अब आपने जरा ढूंढ के वर्ड बोल रहे हैं, नहीं आप वर्ड बोल रहे वैलिड एक्सपेक्टेशन किस में, किसी थर्ड पार्टी मीन जिसने अल्टीमेट इफेक्ट होगा। तो क्या डिसमेंटलिंग प्रोविजन की कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन हो सकती है? कब? आपका पास्ट में कोई एक्शन है, आप पास्ट में करते रहते हैं, और आपका अगला भी प्लान है, और कभी आपने अपने अगर बस में हो तो कोई अपने एक्शन अपने एक्शंस के अगेंस्ट नहीं किया, तो देन वैलिड एक्सपेक्टेशंस राइज हो जाएंगे जिससे कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन जाए। ठीक है, मसलन पढ़ाई कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, लीगल ऑब्लिगेशन। आपने सैटरडे को ये प्लान किया था कि मैंने 3 घंटे फॉर एग्जांपल पढ़ना, और अगर आप ना पढ़ सके तो आपको नींद नहीं आई होगी, वो सच्ची ऑब्लिगेशन का माल होगी सर, ये ज्यादा अच्छी नींद आ गई थी, शुक्र है। नहीं, क्या जब आपने 3 घंटे का प्लान बनाया होगा तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बनी होगी? ऐसे बात समझ ही नहीं रहे। आपने एक डिसीजन लिया है, आपका एक एक्शन है, क्या आप वैलिड, आप में वैलिड एक्सपेक्टेशन थी? थर्ड पार्टी यहाँ है नहीं, आप मतलब आप खुद ही थर्ड पार्टी हैं। क्या जैसे ही आपने कमिट किया कि मैंने 3 घंटे पढ़ना है, कोई कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन डेवलप हुई है? हरगिज नहीं हुई है, क्योंकि अगली बात आपको पहले ही पता, कोई वैलिड एक्सपेक्टेशन राइज नहीं। पिछले हफ्ते भी किया था, 5 का किया था, लेकिन अगर हिस्टोरिकली कोई ऐसा एविडेंस मौजूद नहीं है कि आपके बस में अगर हो तो आप ना पढ़ें, तो देन डेफिनेटली आपकी फिर एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन राइज होगी। और अगर वो सेटल ना हो पा रही हो तो फिर आपसे बोझ भी होगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो मेरे पे बोझ है, अब अगले हफ्ते मुझे 6 पढ़ने पड़ेंगे। बोझ बनता जा रहा है, बल्कि 6 नहीं होता तो ज्यादा लग जाए, पिछला रह गए, अगला भी सही समझना है। तो कभी ऐसा इत्तफाक हुआ? नहीं। आई होप कि मेरी इस एग्जाम्पल से कुछ कंस्ट्रक्टिव को समझने में आसानी हो जाए। वापस आ रहे हैं, और कौन कौन से एग्जाम्पल चल रहे थे? अभी तो 2 ही हैं। नहीं, प्रोविजन के एंगल से हम देख रहे थे कंस्ट्रक्टिव है या लीगल है। पहला क्या बात हुई है, पहली क्या थी? टैक्स पेएबल कौन सी है? दूसरी ग्रेजुटी क्या है? कंस्ट्रक्टिव से लीगल। आगे
प्रोविजन फॉर लिटिगेशन पे आने वाले, प्रोविजन फॉर लिटिगेशन जो है वो मेरे ख्याल लीगली ही बनेगी। हाँ वो भी अब डेफिनेटली पहले कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, अल्टीमेटली शायद की बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ, कोर्ट डिसीजन की वजह से फाइनल होगी, फिर लाइबिलिटी कोर्ट के डिसीजन पे डिपेंडेंट होगा। बहुत फेयर एग्जांपल जी वारंटी की बताएं, ये भी इनिशियली कंस्ट्रक्टिव होगी, लेकिन अगर कस्टमर हैज अ राइट कि वो जाके कोर्ट में जाके अपनी इस ऑब्लिगेशन को सेटल करवा ले तो लीगल में भी कन्वर्ट हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा जब और बाय फोर्सेबल बिलो। ठीक है तो समझ आ गई लीगल और कंस्ट्रक्टिव क्या होती है। लीगल क्या है जी, विट डिराइव्स फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट लॉ और ऑपरेशन ऑफ लॉ, एंड कंस्ट्रक्टिव क्या है, मेन वर्ड्स क्या है, एंटिटीज एक्शन विच क्रिएट्स वैलिड एक्सपेक्टेशन अमंग इंटरेस्टेड पार्टीज। इंशाल्लाह बात बन जाएगी, लेकिन कम से कम ये दो जो मेन वर्ड्स हैं, नंबर वन एंटिटीज एक्शन दैट क्रिएट्स वैलिड एक्सपेक्टेशन, ठीक है, बाकी इंशाल्लाह साथ साथ कोशिश करते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टिव को समझने के लिए नीचे जरा एक एग्जाम्पल भी आ जाए, मेरे ख्याल इस पेज के नीचे ही होगी, पॉइंट नंबर थ्री के नीचे। अच्छा ये क्लियर था कि तीनों कंडीशंस मीट होना जरूरी है। एग्जाम्पल सर, असल में इस टॉपिक का एक मेन चैलेंज ये भी है कि सिनेरियो बेस्ड होता है क्वेश्चन, तो सिनेरियो को पहले इंग्लिश में ही समझना होता है और फिर उसका इंग्लिश में ही जवाब बना के इंग्लिश में ही लिखना होता है, तो ये इसका एक रियल चैलेंज होगा। तो हम कोशिश करते हैं आज से ही गेम शुरू हो जाता है। तो एक सिनेरियो से बना इनिशियली अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना इशू। जी लिमिटेड ओन्ड अ रोड टैंकर दैट ओवरटर्न्ड इन दिसंबर 2003 ड्यूरिंग अ बैड रेनस्टॉर्म। कुछ थोड़ी सी स्टोरी सी तरह से बना दी, आप जी लिमिटेड में है, जी लिमिटेड का एक रोड टैंकर उलट गया है किसी बारिश के, तूफानी बारिश के स्टॉर्म में, तूफानी बारिश तूफान, टैंकर स्पिल्ड इट्स कंटेंट्स, फॉर एग्जांपल उसमें ऑयल था, दस कंटेमिनेटिंग अ लोकल रिवर। जब ये इतफाक हुआ, हादसा हुआ, तो कि दरिया के साथ साथ ये ऑयल टैंकर जा रहा था, ठीक है, तो उसका ऑयल दरिया में गिर गया, बल्कि शायद वो ट्रक ही गिर गया। जी लिमिटेड हैज नेवर बिफोर कंटेमिनेटेड अ रिवर, ऐसा इतफाक पहली दफा हुआ। जी लिमिटेड हैज नो लीगल ऑब्लिगेशन टू क्लीन द रिवर, का मतलब बताएं लॉ में कोई नहीं लिखा हुआ कि कोई इस तरह से अगर फॉर एग्जांपल दरिया में ऑयल गिर जाए तो लीगल ऑब्लिगेशन कोई नहीं है, कोई गवर्नमेंट ने लॉ बनाई नहीं हुआ, ठीक है, तो देयरफॉर कौन सी ऑब्लिगेशन नहीं बनी। नो पब्लिश पॉलिसी एट्स इट्स व्यूज ऑन रिहैबिलिटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, ना ही कोई पब्लिश पॉलिसी है हमारी। पब्लिश पॉलिसी का मतलब हमने कोई पॉलिसी नहीं बनाई हुई जो लोगों को बताओ कि हम एनवायरनमेंट के बड़े कॉन्शियस हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं, हम एनवायरनमेंट को अगर ख़राब हो जाए तो हमें रात को नींद नहीं आती, ऐसी कोई पॉलिसी हमारी नहीं, ठीक है। हैज नॉट मेड एनी पब्लिक स्टेटमेंट, ना ही हमने इस हादसे के बाद कोई लोगों को अखबार में कोई ऐड दिया है, या कोई अखबार तो पुरानी बात होगी, सोशल मीडिया पे कोई बताया लोगों को कि हमें बड़ा दुख हुआ है हमारे इस हादसे की वजह से, जो लोग मछली का शिकार खेलने आते होंगे, अब पता नहीं उन्हें मछलियां सही मिल सकें या उनके अंदर खुदा न खासा ऑयल का इफेक्ट ना आ गया हो, तो ये भी हमने कोई ऐसी बात नहीं की, तो हमें इस दुख का भी कोई हमने इजहार नहीं किया। क्या क्या नहीं हुआ सर, ना कोई लीगल ऑब्लिगेशन है, ना कोई पब्लिश पॉलिसी थी, ना कोई करंट स्टेटमेंट, ये जो आखिरी दो चीजें हैं, नो पब्लिश पॉलिसी एंड नॉट मेड एनी पब्लिक स्टेटमेंट, इसका बताने का क्या मकसद शायद हुआ, कंस्ट्रक्टिव भी नहीं, ठीक है, कोई हमारा एक्शन नहीं, कोई हमारा ऐसा एक्शन नहीं है जिससे कोई एक्सपेक्टेशन लोगों में डेवलप हो। नेक्स्ट कहता है इट इंटेंड्स टू क्लीन अप द रिवर, इरादा हमारा है लेकिन इरादे तोड़ना आपसे बेहतर कौन समझता, जब तक इंटेंशन कम्युनिकेट ना हो तब तक कोई एक्शन लोगों के सामने नहीं आएगा, तो मिनिमम क्या होना चाहिए, अपने इस इरादे को कम्युनिकेट कर रहे हैं और उसके बाद फिर लोगों में वैलिड एक्सपेक्टेशन अराइज हो रही है नहीं, वरना इरादा कम्युनिकेट करना भी कोई इतना इशू नहीं है, इंशाल्लाह कह के उठते हैं आप सैटरडे, इंशाल्लाह मैं पढ़ूंगा, तो इरादा भी होता है कम्युनिकेट भी होता है, लेकिन
ऑफरी आप उठते उठते यहां से उससे जाते हैं, ठीक है। तो कम से कम क्या मिनिमम क्या है, इंटेंशन कम्युनिकेट हो और फिर उसके बाद वैलिड एक्सपेक्टेशन हो। तो हमारा इरादा तो जरूर है एंड हैज बीन मेड, हैज बीन एबल टू मेड रिलायबल एस्टीमेट, रिलायबल एस्टीमेट भी हमने बना लिया। तो क्या देर फॉर हमारी कंस्ट्रक्टिव एप्लीकेशन बन गई। अब एक सेकंड जरा ऊपर पड़ा था हमने, तो उसके साथ लिंक करें जरा। जी पूर्वी बन जाएगी, देर इज अ प्रेजेंट एप्लीकेशन, नहीं ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन किस तरह से बनती है, लीगल या कंस्ट्रक्टिव? लीगल क्यों नहीं है, लॉ में नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वाली तो यहाँ शायद बहस ही नहीं है, कोर्ट ऑर्डर वाली भी कोई बहस नहीं है। कंस्ट्रक्टिव है वो क्यों नहीं है, पढ़ के पढ़ के, ना कोई पब्लिश पॉलिसी है, ना कोई पब्लिक स्टेटमेंट है, इंटेंशन तो है यार, रिलायबल एस्टिमेट भी है, वो तो बहुत दूर की बात है। पहला डिसीजन ही कहाँ हो रहा है, क्या ऑब्लिगेशन है, और अगर यही नो हो गया है तो चाहे रिलायबल एस्टिमेट भी हो इंटेंशन भी हो कहानी खत्म हो गई है। मींस क्या नहीं बनेगा, हाँ अगर ये फॉर एग्जांपल वो कहता है कि हमारी इंटेंशन है, हमने कम्युनिकेट कर दी है और हिस्टोरिकल एविडेंस लोगों के पास मौजूद है कि जब कभी हमने जुबान दी है तो हम मुकरे नहीं, तो हमारे इस कम्युनिकेशन से वैलिड एक्सपेक्टेशन राइज होती है। लेकिन फिलहाल इंटेंशन है, रिलायबल एस्टिमेट है, कम्युनिकेटेड नहीं है, देयरफॉर अभी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन भी नहीं। डन है प्लीज। अब इसका सोल्यूशन जरा काइंडली पढ़े, फिलहाल डेफिनेटली मैं थोड़ा पढ़ के आइडिया होगा कि कैसे लिखा जाता है, ऐसा ऐसा आगे पढ़ेंगे। और इसका फिर लिखने का तरीका भी डेफिनेटली को लॉ वगैरह में, अगर आप बी लॉ टाइप में पहले अगर कभी सिनेरियो है तो थोड़ा सा सिनेरियो के मुताबिक एक्सप्लेन करनी होती है शायद लॉ की प्रोविजंस, और फाइनली कंक्लूजन शायद एंड में होती है पहली लाइन में, नो प्रोविजन शुड बी मेड। अब अगर एग्जामिनर ने अपने आंसर में लिखा हो प्रोविजन शुड बी मेड तो उसने आगे पढ़ना ही नहीं है। तो पहले आपको अपना जरा नॉलेज बताना होता थोड़ा सा कि मुझे आइडिया है, अल्टीमेटली अगर कंक्लूजन थोड़ी सी गलत भी हो जाए फॉर एग्जाम्पल, तो शायद पढ़ते 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 एक आध नंबर अपने जहन में बना चुका हो, तो ना अगर पहली लाइन में लिखा हो कि ये होना है तो आगे उसे पता है फिर जो हो किया होगा इसने वही किया होगा, तो कंक्लूजन शायद एंड में होती है, पहले सिनेरियो शायद एक्सप्लेन होता है। सही कह रहा हूँ, हेल्प ले रहा हूँ आप लोगों से, बल्कि इसकी रिक्वायरमेंट भी है। एक्सप्लेन वेदर और नॉट जी लिमिटेड शुड रिकॉग्नाइज इट्स प्रवीन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो प्रवीन बननी है या नहीं। अब सिर्फ आंसर यस नो में नहीं होता, पढ़ेगा जरा कंटिन्यू, मैंने कोशिश की आपके सामने रेसोल्यूशन सारा कर दूंगा। द इवेंट इज द एक्सीडेंट एंड सेंस इट हैपेंड बिफोर द ईयर एंड, इट इज अ पास्ट इवेंट, दिसंबर के एंड में हुआ था। देयर इज हाउएवर नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन सेंस नो लीगल रिक्वायरमेंट, no constructive obligation to rehabilitate the river since neither a public statement has been made nor established pattern of past practice since it is the first event of this kind this type. ab definitely jo hum padh rahe hain as it is na to likha ja sakta na hi required hai, changing circumstances mein apne hi words aisa aisa banayenge. jitna seriously aap consolidation padhte hain, वैसे ये भी अल्लाह करे मेरी ख्वाहिश ही ना हो कहीं, अगर उससे आधी सीरियसनेस भी हो तो इस तरह के क्वेश्चंस में आधे को नंबर लेना तो बिल्कुल इश्यू नहीं होता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड एरियाज होते हैं, कर लूँगा आखिरी दिन सोच लूँगा, ये साथ साथ किया हो तो इंशाल्लाह हो जाएगा, और आपकी चॉइस नहीं है कि कहाँ से मैंने नंबर लेने, एग्जामिनर नंबर देता है लेकिन उसकी मर्जी से जिस टॉपिक में से आपको देना चाहे वो दे सकता है। किसी भी मुश्किल टॉपिक का वो आसान तरीन सवाल भी बना सकता है और किसी भी आसान टॉपिक का वो मुश्किल तरीन सवाल भी बना सकता है। तो आपको आइडिया होपफुली है ही है, आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, कहाँ से कितने नंबर आएंगे ये आप पहले से प्लान नहीं कर सकते। मैं कंसोलिडेशन में से 80% मार्क्स ले लूंगा, बिल्कुल सेंस निकालता, अल्लाह करे ले लें, अल्लाह करे 100% आ जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं है। तो हर एरिया पे ग्रिप होनी चाहिए, वैसे भी ये टॉपिक्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, इकट्ठे करके टॉपिक्स का सवाल आता है। तो वंस अगेन मैं कोशिश करूंगा कि आपको मोटिवेट रखूँ, लेकिन हिस्टोरिकल जो प्रैक्टिस मेरे सामने है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह लीगल वाली तो कोई बात नहीं है और कंस्ट्रक्टिव तो बिल्कुल ही नहीं, आपका तो इवन एक्शन ही कोई नहीं होना। केस स्टडी आईपी होगी क्या बात है, तो देयरफॉर आप एक्सपीरियंस लोग हैं, ऑडिट में भी एक्सपीरियंस है, बी लॉ में भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए आसानी रहेगी, सी लॉ में भी है इंशाल्लाह सर, ईमान अलहमदुल्ला फौरन मजबूत हो रहता है जैसे पढ़ाई की बात आती है। ऑल्दो ही लिमिटेड इंटेंट्स टू क्लीन अप, ये जी लास्ट पैराग्राफ है प्लीज,
All those he limited intends to clean up the river and even has a reliable estimate of the cost thereof. No pervian should be recognized because because an obligating event. एक और वर्ड यहाँ ज़रूर ज़रूर ढूँढना था जिनके पास बुक नहीं है रजिस्टर में लिखे वर्ड्स obligating event. इधर इसका इस चैप्टर का पीडीएफ शेयर करना है ऑनलाइन स्कूल बुक ही नहीं स्पेसिफिक भी कर लो मतलब सेकंड या थर्ड चैप्टर कौन सा चैप्टर नंबर है इस तीर से बताइए तो इंडेक्स देख के जी ऑब्लिगेटिंग इवेंट की एक डेफिनेशन सॉर्ट ऑफ लिखेंगे अ पास्ट इवेंट वैसे क्या मतलब है इन वर्ड्स का अगर सोचा जाए ऑब्लिगेटिंग इवेंट हाँ जिस इवेंट की वजह से ऑब्लिगेशन बन तो ऑब्लिगेटिंग इवेंट का मतलब होता है अ पास्ट इवेंट विच गिव्स राइज टू प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अ पास्ट इवेंट विच गिव्स राइज टू प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एक ऐसा पास्ट इवेंट जिससे आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बन जाए या एक ऐसा इवेंट जिससे आपकी अल्टीमेट लायबिलिटी बन जाए एक ऐसा पास्ट इवेंट जिससे आपकी ऑब्लिगेशन बन जाए उसको क्या बोलते हैं ऑब्लिगेटिंग इवेंट और अगर ऑब्लिगेटिंग इवेंट बन गया है तो इसका फिर मीनिंग होता है कि अब आपके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है सवाई इसके कि आप उसे सेटल करें और अगर फॉर एग्जाम्पल ऑल्टरनेट्स मौजूद हैं करें ना करें तो फिर डेफिनेटली वो ऑब्लिगेशन ही नहीं है ऑब्लिगेशन होती क्या है जिसे सेटल करना होता है लाजमी सेटल करना होता है इंशाल्लाह लाजमी सेटल करना होता है इरादा पूरा होता है बाकी अल्लाह मालिक तब जरा पढ़िए जरा ये बोल्ड वर्ड्स में एन ऑब्लिगेटिंग इवेंट इज द वन दैट रिजल्ट्स इन द एंटिटी हैविंग नो रियलिस्टिक ऑल्टरनेट बट टू सेटल हमारे पास अब कोई भी ऑल्टरनेट नहीं है कोई रियलिस्टिक ऑल्टरनेट ही नहीं बचा सवाई इसके के हम पैसे दे के इसकी सेटलमेंट करें तो क्या ये इवेंट हो चुका है इस जी में नहीं क्या कोई पास्ट इवेंट हुआ है पास्ट इवेंट तो हुआ है लेकिन क्या वो कोई पास्ट इवेंट ऑब्लिगेटिंग इवेंट बन गया है हम चाहे ना कर इंटेंशन है और अगर कम्युनिकेट नहीं है तो कोई इशू नहीं है ना लीगल है ना कंस्ट्रक्टिव है सही जी लिमिटेड कैन स्टिल चेंज इट्स इंटेंशन इरादे बदल जाते हैं If however this intention has been announced, then there is a constructive obligation. अगर ये इरादा अनाउंस कर दिया जाता तो फिर हमारी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन जानी थी और प्रवीण शुड बी रिकॉग्नाइज अब ये प्लीज आपने जहन में रखना है जब भी ये बात हो जाएगी कि इरादा कम्युनिकेट हो गया तो ये जहन में लाएं फिर क्या हुआ या तो हम इरादा कम्युनिकेट नहीं करेंगे पहले सोच लेंगे और अगर कम्युनिकेट कर दिया है तो उसके बाद किताबों में कोई चॉइस नहीं है कि आप अपने इरादों से मुकरें इंशाल्लाह फुलफिल करेंगे और ये इंशाल्लाह वही वाला है कि इंशाल्लाह खाना खाऊंगा पढ़ाई वाला इंशाल्लाह नहीं है इंशाल्लाह आज खाना जरूर खाऊंगा जितना स्ट्रांग वो इरादा होता है जिसमें इंशाल्लाह लगाते ही नहीं है हम अंडरस्टूड सी बात है जिस तरह वो अंडरस्टूड हालांकि पता नहीं खाएं ना खाएं वो तो पता नहीं रब के हाथ में है लेकिन जितना यकीन है कि मैंने आज दोपहर को खाना खाना है मेरे ख्याल कभी इंशाल्लाह नहीं लगाया मैं रात का खाना खाना है अंडरस्टूड सी बात है तो बिल्कुल उसी तरह ही अंडरस्टूड है कि अगर आपने कोई इरादा किया है एक्शन लिया है और उसे कम्युनिकेट कर दिया तो देन वी हैव नो चॉइस बट टू सेटल द ऑब्लिगेशन ये बोले जरा वर्ड्स ऑब्लिगेटिंग इवेंट वाले दैट रिजल्ट्स इन एन एंटिटी हैविंग नो रियलिस्टिक ऑल्टरनेट बट टू सेटल अब हमारे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं सवाई इसके कि हम इस ऑब्लिगेशन को सेटल करें ठीक हो गया अब बुक काइंडली अवेलेबल कर लीजिएगा मैं इससे आगे जाना चाह रहा था लेकिन रहने देते हैं तो आज की इस डिस्कशन को यहीं तक खत्म करते हैं आज कंसोलिडेशन के दो तीन क्वेश्चन सही रिवाइज करें और अब क्वेश्चन जो होंगे टेस्ट में वो डेफिनेटली पूरी कम्प्रिहेंसिव होंगे तो जरा महसूस होना चाहिए कि आपकी कोई रीजनेबल तैयारी है तो पिछले दिनों मेरे क्वेश्चन होते रहे मेरे ख्याल वो काफ़ी हैं उनको दो तीन चार जो रैंडमली है तीन चार कर लें अपनी मर्जी से कर लें ICT 8 बार या इस तरह करें ICT 8 को थोड़ा रिवाइज करेंगे ये प्रोसेस कर लिया था ना कल ये कुछ चंद एक पेजेस कहते हैं या 38 वाले भी रिवाइज करें सॉरी 28
पेज नंबर 240 आधा घंटा पहले इसका पढ़िएगा, पेज नंबर 240 से लेके डेफिनेटली बीच में क्वेश्चन वो ना करें, लेकिन जो बीच में आता जाएगा पेज नंबर 258 तक, अब ये ना करिए इतने सारे सिर्फ आपने एक नजर रिवाइज करना, एग्जाम्पल छोड़ दीजिएगा बीच में 240 से 258 तक, तो आधा घंटा पहले इसको पढ़ें, फिर एक आध को रैंडमली सवाल देखें। कल ये दो जो किए मैं कल यही सफिशियंट फिलहाल, हाँ जो पिछले दिनों में किए आ गई, इसमें काफी सारी चीजें आ गई। या एक एग्जाम्पल चले ये वाली रख लें, पेज नंबर 309 पर एग्जांपल थी एम लिमिटेड वाली, इसमें वो जो डेफर्ड कंसीडरेशंस, कंटिजेंट कंसीडरेशंस, शेयर एक्सचेंज, ये वाली जो चीजें आई थी, हाँ जी देखिए इनको भी जरा एक नजर देखिए। अल्लाह हाफिज। ठीक है स्टूडेंट्स, नहीं मेरे ख्याल क्लास के अलावा टाइम निकल जाएगा, कोई डेढ़ घंटे का आराम से टेस्ट दीजिएगा, लंबा सवाल है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को क्वेश्चन रह गया, ये रिलायबल एस्टीमेट का मतलब है कि रिलायबल अमाउंट हो, तो एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लिया जाता है, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन से रिलायबल अमाउंट पता चलता है। ठीक है भाई सर, अल्लाह हाफिज़।